हेलो, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए डेवलपिंग इलेक्ट्रॉन। मींस जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस करंट, एंड दिस करंट, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस होता है। तो हाउ मच इज़ दिस डायपोल मोमेंट, दैट वी कैलकुलेट यूजिंग दिस डेरिवेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले तो मॉडल ऑफ एटम देखिए। इन द बोहर मॉडल ऑफ एटम, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अलोंग ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बोहर मॉडल के हिसाब से एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इन यहाँ बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्योंकि अंदर प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। देन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट गिवन बाय I इज इक्वल टू टू ई बाय टी। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा तो कितना करंट इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज इज ई बाय टी इज द करंट। इफ आर इज द ऑर्बिटल रेडियस एंड वी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर रेडियस आर है और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वी है, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2πr/v, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। This time you substitute in the first equation, you will get I is equal to EV by 2πr. Then E revolving is equal to a current loop of magnetic moment mu L. हमने current loop जो पढ़ा था उसमें भी current flow कर रहा था, एक point पे हमने magnetic moment निकाला, तो ये भी circular motion है, इसका भी magnetic moment हम consider करेंगे as mu L. उसी तरह से magnetic moment इसमें भी होगा, but that we denoted as mu L. म्यूएल मैग्नेटिक मोमेंट का हमने फार्मूला, हमने वहाँ पे एम स्मॉल एम एज ए मैग्नेटिक मोमेंट कंसिडर किया है। यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम म्यूएल डिनोट करेंगे। देन इट इज़ फार्मूला सेम रहेगा, मोमेंट का फार्मूला करंट इंटू एरिया। करंट इंटू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। दिस यू पाई आर सब्स्टिट्यूट फॉर आई फ्रॉम सेकेंड इन थ्री। सेकेंड ये है आई की वैल्यू, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे ई वी बाई 2πr, दैट विल गिव यू इन टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक ही आर बचेगा, देन इट विल बी ई वी आर बाई 2। दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ म्यूएल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करेंट लूप। अभी डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर सिंस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ ई रिजल्ट्स इन क्लॉकवाइज करेंट। मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, दैट इज़ गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज। हमने पढ़ा हुआ है बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो दिस विल प्रोड्यूस दिस करंट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट अगर राइट हैंड रूल से हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज करंट राइट हैंड थंब रूल से अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन, अगर फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे तो थंब की डायरेक्शन दैट विल गो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, नीचे की तरफ रहेगी। सो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन यू विल कम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस तरह से हमने डायरेक्शन निकाली है। देन नेक्स्ट वी कम टू द म्यू एल, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। म्यू एल हमारा आया था ई वी आर बाय 2r, एम ई मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ME is the mass of electron, because MeVr is the angular momentum, so this will become angular momentum E by 2ME बाहर आ जाएगा। angular momentum का सिंबल L होता है, angular momentum of electron about the nucleus known as orbital angular momentum। angular momentum क्या होता है, किस angle से वो moment करता है circle में, that is the angular momentum। this concept we had learned in class 11th already। then MeVr की जगह एल पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ई बाय 2ME L। नाउ वेक्टर नोटेशन में देखेंगे तो ई तो कांस्टेंट है, एम ई भी कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन होगी ना किस डायरेक्शन में एंगल मूव करेगा,
तो दिस विल बी ए वेक्टर एंड दिस म्यू एल इज ऑल्सो वेक्टर. तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना है. यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज नेगेटिव साइन इंप्लाइज द एंगुलर मोमेंट ऑफ ई इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन टू द प्लेन ऑफ पेपर आती है इसमें, वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन आएगी. द रेशियो म्यू एल बाय एल, यहाँ से एल को नीचे ले जाएंगे तो इट विल बी म्यू एल बाय एल ई बाय टू एम ई. मतलब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको इसने म्यू एल बाय एल का रेशियो दिया है. दैट इज रेशियो दैट कॉल्ड रेशियो इज कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक रेशियो. तो यहाँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी बिकॉज दैट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. सो दैट वैल्यू इज 8.8 इंटू 10^10 कूलम पर केजी. ओके, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड वैल्यू है बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. और इसमें म्यू एल बाय एल एंड दिस रेशियो इज, ये याद रखना है एम सी क्यूज में या वन मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. गायरो मैग्नेटिक रेशियो वट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू म्यू एल बाय एल. देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ई इन ए स्टेबल ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड. अब ये क्वांटाइजेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया लास्ट ईयर. क्वांटाइजेशन बोहर क्वांटाइजेशन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एन एच बाय टू पाई होता है. एन 1, 2, 3 एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34 जूल पर सेकेंड. हियर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 डालेंगे. दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा H बाई टू पाई. ये L, L की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, L दैट विल बी H बाई टू पाई. देन इट विल बी म्यू एल विल बी ई बाई टू एम ई एल. यहाँ पे पुट करेंगे एन एच बाई टू पाई. देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 1. मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए N1 हो जाएगा तो दैट विल बी एच बाय टू पाई बचेगा. तो यहाँ H की वैल्यू पुट की है 2 और पाई और यहाँ पे ई बाय टू एम ई. दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन. बोहर मैग्नेटॉन इसको बोलते हैं. ये रिमेंबर रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी इसको ये एम सी क्यू में इसका क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डायपोल अराउंड बाय डेवलप बाय एन इलेक्ट्रॉन. थैंक यू.